नमस्कार, उद्धार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आप सभी का उद्धार क्लासेस में हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। अपने इससे पहले की क्लास हुई थी उसमें कृषि के बारे में पढ़ा था कि कैसे पुराने भारत पुराने ज़माने से या बहुत पहले के समय से ही एग्रीकल्चर में या कृषि में एक्सपर्ट था और अच्छे से अच्छे फसल उत्पादन करते थे, पशुपालन करते थे। तो एग्रीकल्चर के बारे में या कृषि के बारे में अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ा है। आज की क्लास में हम एग्रीकल्चर की जो शाखाएं हैं, जो उसके विषय हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सी शाखाएं हैं और उनमें किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो कृषि विज्ञान की शाखाएं आज पढ़ेंगे हम। कृषि विज्ञान की शाखाएं पहली है एग्रोनॉमी, या सस्य विज्ञान। इसमें अध्ययन किया जाता है फसलों का, अनाज वाली फसलें हैं, अपने जो चारे वाली फसलें हैं, तेलीय फसलें हैं, कपास, मूंगफली, खाद्यान्न जैसे गेहूं, बाजरा, दलहनी, चना, मूंगफली, मूंग, मसूर, फसलों का अध्ययन किया जाता है विस्तार रूप से। फिर है एग्रीकल्चर या कृषि की अपनी दूसरी शाखा है हॉर्टिकल्चर। या उद्यान विज्ञान इस शाखा में जो अपने जो फल वाले पौधे हैं, सब्जी वाली फसलें हैं, फूल हैं, अलंकृत बागवानी है, उनके बारे में इस तरह अध्ययन किया जाता है। फलों, सब्जी और अलंकृत बागवानी। इनका इसमें अध्ययन किया जाता है। फिर अपने हैं नेक्स्ट है तीसरी शाखा है एनिमल हस्बेंड्री। अपनी है तीसरी है एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन। कृषि की इस शाखा में हम पशुओं का जो अध्ययन किया जाता है, कैसे अच्छे ढंग से पशुओं का अध्ययन करके या पशुपालन करके दूध उत्पादन, मांस उत्पादन के लिए और दूध उत्पादन के कैसे पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे प्रोडक्शन ले सके। फिर है अपनी चौथी शाखा है पोल्ट्री। पोल्ट्री बोले तो कुक्कुट पालन। इसमें कुक्कुट पालन या पोल्ट्री पालन में मुर्गियों का अध्ययन और अंडा उत्पादन का विस्तार रूप से अध्ययन किया जाता है। फिर आगे है अपनी पांचवी शाखा है एपिकल्चर। इसमें किया जाता है मधुमक्खी मधुमक्खी पालन, कैसे हम अच्छे से मधुमक्खियों का पालन कर सकते हैं, शहद का प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसके बारे में विस्तार रूप से
अध्ययन किया जाता है एपिकल्चर में। फिर अपनी अगली शाखा है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में हम अध्ययन करते हैं रेशम कीट उत्पादन। इसमें जो रेशम कीट है अपना उसका और रेशम का अध्ययन किया जाता है विस्तार रूप से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेशम कीटों का उत्पादन करके ज़्यादा से ज़्यादा रेशम हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर अपने आगे है लेक कल्चर या लाख उत्पादन। इसमें अध्ययन किया जाता है जो लाख उत्पादन वाले कीड़े हैं अपने, उनका अध्ययन किया जाता है और जो लाख है उसका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा कैसे लिया जा सकता है। तो ये अपने सात शाखाएं हैं, इनको तुरंत प्रभाव से आप या तो लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि फिर जब भी आपके पास क्लास खत्म होने के बाद जब भी समय बचे तो आप इनको ऐसे के ऐसे अपनी नोटबुक में उतार लो। फिर अपने हैं आगे है प्लांट पैथोलॉजी। इसमें अध्ययन किया जाता है पादप रोगों के बारे में, पादपों में जो या जो अपने फल वाले पौधे हैं या जो अपनी फसल है पौधे हैं उनमें कौन कौन से रोग होते हैं, उनका कैसे उपचार किया जाता है, उनसे कैसे पौधे के लक्षण प्रकट होते हैं, उन सब का इसमें रोगों का अध्ययन किया जाता है। अब या तो आप उतार लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आगे हम लिख सकते हो। कुछ समय का आपको 10 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ, आप इनको या तो उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे है अपने आगे की शाखा है, ये आठ शाखाएं हो गई अपनी। ये जो कृषि है ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है या बहुत बड़ा विषय है, इसमें ये अलग अलग इसकी शाखाएं हैं, इनमें भी ये भी बहुत अलग अलग शाखाओं में अलग अलग चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। फिर अपने हैं एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी में पौधों में लगने वाले कीटों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाता है, और इसमें जो कीट और सूत्रकृमि, एक और आता है सूत्रकृमि, सूत्रकृमि और कीटों का अध्ययन। कैसे सूत्रकृमि और कीट अपनी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और कैसे उनका नियंत्रण किया जा सकता है, कैसे उनसे बचा जा सकता है ताकि अच्छा अपने प्रोडक्शन ले सके। फिर है अपना एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। इसमें अध्ययन किया जाता है ये है कृषि विस्तार। जो मतलब अनुसंधानों से और वैज्ञानिकों द्वारा जो कृषि से संबंधित नई टेक्नोलॉजी, नए नए विकास, कोई नई वैरायटी, इनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचा सके, ताकि किसान इसका फायदा ले सके, अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सके, तो इसमें किया जाता है अनुसंधानों को किसानों तक पहुंचाना।
जो अनुसंधान से जो अनुसंधानों से जो नई तकनीकी का जो विस्तार है वो किसानों तक करने का, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में इसका अध्ययन किया जाता है। फिर अपने हैं मशरूम प्रोडक्शन, इसमें अध्ययन किया जाता है जो मशरूम का उत्पादन होता है। मशरूम उत्पादन कैसे किया जाता है, कैसे मशरूम की नई नई वैरायटी को कैसे लगाया जाता है, कैसे मशरूम का उत्पादन किया जाता है, उसका अध्ययन, विस्तृत अध्ययन मशरूम उत्पादन में किया जाता है। फिर अपने हैं फिशरीज, फिशरीज में अध्ययन किया जाता है मछली पालन का। मछली पालन, मछलियों के बारे में और उनको कैसे पाला जाता है, कैसे उनसे प्रोडक्शन लिया जाता है, उसका सारा अध्ययन विस्तार रूप से फिशरीज में किया जाता है। फिर अपने हैं एक फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री में हम अध्ययन करते हैं जो अपने जो वन संपदा है अपनी, उसको कैसे बचाएं, उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि जो अपना क्लाइमेट साफ सुथरा रहे, शुद्ध रहे, धरती पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन रहे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त हो हमें, तो इसमें फॉरेस्ट्री में वन संपदा के बारे में, या वन विज्ञान कहते हैं इसको, वनों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाता है। फिर अपना एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ये है जो कृषि में जो अपनी जो लागत है वो क्या है, उससे अपने को जो आय प्राप्त हो रही है, आउटपुट ले रहे हैं अपन, वो क्या है, उसका एक समावेश करते हैं कि कैसे कैसे अपने लागत आ रही है खेती करते हैं तो, और कितना उसमें अपने को प्रोडक्शन मिल रहा है, वो सब अब आय और व्यय का, खेती से आय और व्यय का अध्ययन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या एज इट इज कॉपी पेन लेकर अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। ये अपने जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है या कृषि जो विषय है उसकी ये शाखाएं हैं, इनमें अलग अलग विषयों का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। तो आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाओ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। और अपना जो हमारी जो क्लासें हैं अभी, इसमें कोई गैप नहीं होगा, लगातार क्लासें आएंगी बैक टू बैक। थैंक यू।